गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइट टू एक्सप्लोर। आज हम आपको लेके जा रहे हैं वेनिस मॉल। वेनिस मॉल आपने सुना होगा वेनिस शहर के बारे में, जहाँ पे स्ट्रीट में नाव चलती है, बोट से ट्रेवल करना पड़ता है एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाने के लिए। उसी तर्ज में एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है वेनिस मॉल में, जहाँ आप जाके वेनिस सिटी की फील ले सकते हैं। बाकी हम ये तो नहीं कहेंगे आपको वेनिस सिटी घूमने जैसा मजा मतलब ये आएगा, वो तो वेनिस जाना पड़ेगा आपको, वहीं पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी फील ले सकते हैं आपको। आपको लेके चल रहे हैं आज वेनिस मॉल। आज हमने पहले से डिसाइड किया था कि लोकेशन पे तो हम शूट करते हैं जाके, आज हम ट्रेवल करते टाइम ही शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको बीच में इन बिटवीन कुछ आएगा तो वो भी दिखाएंगे। जो दिल्ली से हैं उनको तो सब मतलब कि देखा होता है, बाकी जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको दिल्ली के रोड्स और दिल्ली के लोकेशन देखने में काफ़ी मज़ा आता है, तो हम आपको दिखाएंगे रास्ते में। ओके गाइस, ये देखिए गाइस, ये एम्स के पास में जाम लगा हुआ है और 20-25 मिनट से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे जाम में। ये है साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली के पॉश एरियाज में ये गिना जाता है, और अभी तो काफ़ी मॉल्स बन गए हैं दिल्ली में, लेकिन जब मॉल्स नहीं हुआ करते थे तो पॉश एरिया में शॉपिंग करने के लिए काफ़ी मशहूर जगह हुआ करती थी। यहाँ पे सभी ब्रांडेड शोरूम और ब्रांडेड आउटलेट आपको देखने को मिलते हैं, और लगभग सभी कंपनीज के आउटलेट यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको दिल्ली का पुराना मॉल या पुरानी मार्केट कह सकते हैं, ये साउथ एक्सटेंशन दिल्ली। ये गाइस, ये यमुना रिवर है दिल्ली की। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि बाढ़ आ गई थी, अभी पानी काफ़ी कम हो गया वैसे, फिर भी अच्छा खासा है। गाइस, वेनिस मॉल है ग्रेटर नोएडा नियर परी चौक, और अभी हम थोड़ी देर में नोएडा में एंटर कर जाएंगे। फिलहाल हम दिल्ली में चल रहे हैं। ये गाइस, हम पहुंच गए हैं डीएनडी टोल पे। पहले यहाँ पे टोल लगा करता था, लेकिन अब टोल फ्री हो गया है, काफ़ी टोल लूटा है इन्होंने हमारा, बहुत पैसे खाए हैं उसे, अब फ्री हो गया तो मज़ा आता है अपने दस जाने। गाइस, अभी हम हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और कुछ दिन पहले जब बाढ़ की सी फ्लड सिचुएशन पैदा हुई थी दिल्ली में, रोड्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी आ गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि वेनिस मॉल की जो खासियत है वो अंदर वेनिस सिटी को दर्शाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी आपने पिछले दिनों न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा फ्लड आ गई थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नोएडा में भी पड़ा था, और अभी मॉल में फैल के मेन एंट्री पे पानी भरा हुआ है। देखो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था इटली के वेनिस शहर की थीम को इस
वेनिस मॉल में लिए गए हैं, उसी की थीम पे बेस्ड है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बोटिंग राइड पे भी लेके चलेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप बोट राइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेंटल पे मिलती है, इसके चार्जेस हैं 300 पर पर्सन, आप इसको हायर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रीट बनाई गई है, कैनल स्ट्रीट, इसमें आप बोटिंग राइड का आनंद ले सकते हैं। अभी मॉल लगभग मोर देन 50% है ना, अभी खाली है। अभी पूरी तरह से जो इसमें शॉप्स हैं वो अभी भरी नहीं है, अभी वैकेंसी पड़ी हुई है। तो गाइस हम आ गए हैं अंदर, ये तुर्किश स्टॉल है, इसमें तुर्किश आइसक्रीम मिलती है। तो गाइस अभी आपने देखा होगा भाई किस तरीके से इनका स्टाइल होता है आइसक्रीम को देने का, और काफ़ी फनी होता है, काफ़ी अच्छा लगा, और आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी, नाइस। तो गाइस यहाँ पे टिकट मिलती है और हमने टिकट ले ली है बोटिंग के लिए, अब हम बोट राइड का आनंद लेंगे। चलिए तो देखिए गाइस, हमने ये वॉट राइड ली है जो 300 रुपीज पर पर्सन किस्त है, और हमारी वॉट अब स्टार्ट हो गई है। बहुत ज्यादा बड़ी राइड नहीं है। देखिए चारों तरफ शॉप्स का व्यू, वैसे तो ये इटालियन स्टाइल में कैनाल बना रखी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस अभी आपने देखा, हमने वोटिंग को एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। अब देखते हैं और मॉल में क्या क्या है। अभी लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, एक बार तो आना यहाँ पे बनता ही है। पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में सुना होगा जो इटली में है, ये इटली बेस्ड ही है सब चीज़ें यहाँ पे, और ये पीसा की झुकी हुई मीनार का एक ये लगाइए कि इरीगेशन किया हुआ है इन्होंने, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और इधर आपने देखा था वेनिस शहर है जो इटली में, उसके तरफ से एक छोटी सी कैनाल बनाई हुई, और चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पीछे जब भी जैसे कि हमने बोट राइड आपको दिखाई थी, और बोट राइड का काफ़ी आनंद लेते हैं लोग, और जो
बोट राइड कराते हैं भैया, वो इटालियन में सॉन्ग्स वगैरह गाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो गाइस मॉल में काफ़ी घूम चुके हैं, अभी आ गए हैं हम फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा है, लगभग ऑलमोस्ट सभी ब्रांड यहाँ पे हैं, हल्दीराम, बर्गर किंग, डोमिनोज, वैंगो, द बर्गर क्लब, ऑनडा स्ट्रीट, मोती महल डीलक्स, और नॉनवेज के भी ऑप्शन हैं, हलाल नॉनवेज, मोती महल डीलक्स, करीम, सबवे, सफर्स, जो भी एक ब्रांड, मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सभी हैं, और काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है, काफ़ी स्पेसियस है, और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, एक जो फूड कोर्ट में लाइट होनी चाहिए जो खाने के साथ में, बहुत अच्छी लाइटिंग है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये गाइस चिल्ड्रन जोन है, यहाँ पे बहुत एंजॉय करते देखिए गाइज, अभी हम थर्ड फ्लोर पे हैं और कितना अच्छा व्यू मॉल का यहाँ से आ रहा है। पूरा मॉल जो है वो इटालियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और लेफ्ट में आप देख रहे हैं पिज़ा की झुकी मीनार की रेप्लिका या रिक्रिएशन कहिए, और यहाँ पे सभी ब्रांडेड शोरूम आपको मिलेंगे, जो भी कंपनी के आप तो इसमें ब्रांडेड शोरूम देखना चाहते हैं सभी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक कैनाल नीचे आप देख रहे हैं ये बनाई हुई है, इसमें वॉकिंग होती है, और अभी आपको वॉकिंग गाइड दिखाई थी, और फोर्थ फ्लोर पे एक स्नो का रिक्रिएशन किया हुआ है, जहाँ पे आप -12 डिग्री सेल्सियस में स्नो का आनंद ले सकते हैं। और अभी हम वहाँ पे गए थे लेकिन वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी बंद किया गया था, नेक्स्ट टाइम आएंगे उसमें आपको ज़रूर लेके चलेंगे। वहाँ आप दिल्ली में शिमला जैसी ठंड का आप ले सकते हैं, लेकिन अभी में कुछ काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है वो भी। तो गैस पूरा मॉल घूम लिया, तकरीबन सब चीज़ें देखी, गंडोला राइड जो वोटिंग राइड थी वो हमने की, बाकी तुर्किश आइसक्रीम हमने एंजॉय की, ऊपर हम गए क्या बोलते हैं स्नो पार्क में, जो कि अभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चल नहीं रहा था, और फूड कोर्ट में गए, काफ़ी कुछ एंजॉय किया, बहुत अच्छा है, बच्चों को साथ में काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, एक बार ज़रूर आइए। अभी निकलते हैं।